ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपने सेक्शन 9 फाइल किया हुआ है या आप करने वाले हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। गॉट इट? तो ये बातें हम किसी भी केस के लिए रख सकते हैं, यानी कि आप अगर कोई भी सिविल केस फाइल करते हो या अगर आपका कोई केस वकील के पास पेंडिंग है तो आप उस चीज़ में भी ये ध्यान रख सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम सेक्शन 9 को प्रीफर करेंगे क्योंकि हमारी जो काफ़ी ऑडियंस है वो सेक्शन 9 से रिलेटेड हमारे पास आती है, तो हम आज उनको इसी बारे में बताएंगे कि सेक्शन 9 फाइल करते वक्त या ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सेक्शन 9 आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है एडी, यानी कि एक्नोलोजमेंट नंबर। जब भी आप कभी भी आप सिविल केस फाइल करें अपने वकील के द्वारा तो वो क्या करते हैं, एक लीगल नोटिस भेजते हैं अगली पार्टी को। गॉट इट? आपने भी देखा होगा। तो हम मतलब जो डालता है, जो पार्टी होती है वो पूछता है कि भाई ये कितने दिन में पहुंच जाएगा उस पार्टी के पास। तो वकील साहब बोलते हैं कि 15-20 जितने भी कोर्ट के पास टाइम होगा उतना पहुँच जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप उस नोटिस में एडी यानी कि एक्नोलोजमेंट नंबर लगवा सकते हो। उसका एक ट्रांजेक्शन आईडी होती है, जब एक्नोलोजमेंट आप लगाते हो उसमें एक पर्टिकुलर 12 या 13 डिजिट की, अराउंड 14 तक होती है वो डिजिट होती है, उसको आप इंडियन पोस्ट वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि भाई आपका पोस्ट है वो कहाँ पहुँचा है। तो आपको इससे पता चल जाएगा आपका जो नोटिस है वो कहाँ पहुँचा है, यानी कि आपकी जो जिसने जहाँ पर आपने भेजना था वहाँ पहुँच गया है या फिर बीच में है, रास्ते में कहाँ पे है, आप पता कर सकते हो। यानी कि आपकी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, आपका वकील आपको ये नहीं बोल सकता कि अभी पहुँचा नहीं है, अभी पहुँचने वाला है, अभी और टाइम लगेगा, वगैरह वगैरह, ब्ला 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 ब्ला। गॉट इट? और सेकंड थिंग है, आपको ध्यान रखना है सीएनआर नंबर। जब केस स्टार्ट हो जाता है, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, डेट पहुंच जाती है, उन पे नोटिस पहुंच जाता है, तो आपको सीएनआर नंबर अपने वकील से ले लेना है। सीएनआर नंबर का सिंपल मीनिंग होता है केस नंबर। गॉट इट? तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कब डेट आ रही है, यानी कि आपको एक अपडेट रहेगा और वकील और आपके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, यानी कि जो होगा वो आपको बता देगा। अब आपको कैसे पता करना है, तो सीएनआर नंबर आप उनसे मांग सकते हो, और हमारे पास प्ले स्टोर पे जाके एक ई कोर्ट्स नाम की वेबसाइट होती है, सॉरी ऐप होती है ई कोर्ट्स नाम की, तो उस पे आप सीएनआर नंबर डाल के अपना केस का स्टेटस चेक कर सकते हो ऑनलाइन। इसके फ़ायदे ये हैं कि भाई आपको आपका जो वकील है वो आपको घुमा नहीं पाएगा, यानी कि होता कुछ है बताता कुछ है तो वो उस चीज़ से आप बच जाओगे। तो मोस्टली आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। हालांकि हमने ये आपको सेक्शन 9 के रिगार्डिंग बताया, बट आप किसी भी केस में ये सब देख सकते हो। गॉट इट? सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर नाउ। बाय।